तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। अल्लाह का साथ रहा, ईश्वर परमेश्वर का, खुदा का, जीसस का साथ रहा। राखी तो एक ही चीज़ की पाबंदी है, कपड़ों से और मैं दूसरे कोई भी चीज़ से। राखी बाजू मेरे बगल में खड़ी है, उसको आप पूछ सकते हो। राखी जी, काफ़ी इंटीमेट फोटोशूट है, और क्या कहेंगी इस फोटोशूट के बारे में आप? देखिए, हमारा नया वीडियो आ रहा है, तो प्री वीडियो रिलीज हमारा ये फोटोशूट है। सो हमारे वीडियो का नाम है तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। सो इसीलिए कौन किसको चीट करता है, ये वीडियो जब आएगा तो आप वो देख लीजिए। राखी जी, पहले तो आप काफ़ी खूबसूरत दिख रहे, आप दोनों काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हो, काफ़ी अमेजिंग फोटोशूट आप लोगों ने कराया है। मैं आज इतनी नहीं लग रही हूँ, बिकॉज आई एम नॉट वेल। मैं अभी 7-8 डेज से हॉस्पिटल में थी, आई हैड अ वेरी बिग सर्जरी, आई एम नॉट वेल। बट काम तो चालू रहना चाहिए ना, तो 10th को हमारा रिलीज है, तो बट अभी भी मेरे स्टिचेस निकले नहीं हैं, बट फिर भी मैं आके शूट कर रही हूँ यहाँ पे, आई एम इन पेन, बट ठीक है, बट आई एम हेयर फॉर प्रोडक्शन पीपल एंड फॉर आदिल। नथिंग, स्टमक में एक यू नो क्या कहते हैं उसे, सिस्ट, नो, ट्यूमर वूमर नहीं है बाबा, एक सिस्ट था। मैं 2-3 साल से वेट कर रही थी, बट कोरोना वरोना हो गया तो कोई डॉक्टर करने के लिए तैयार नहीं था। सो अभी जब वक्त था तो कर लिया, थैंक्स टू आदिल की ही हेल्प मी लॉट। गाइज, सब लोग पूछेंगे, एक एक करके पूछेंगे। आदिल जी, आप क्या कहना चाहोगे? गाना आने वाला है, काफी टाइम से ये जोड़ी को देखने में वेट कर रहे हैं, आखिरकार वो दिन आने वाला है बहुत जल्द, और फोटोशूट हो रहा है, कितनी एक्साइटमेंट होती है? सबसे पहले मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ, एंड मेरे को बहुत ट्रेन होना पड़ा, बिकॉज शी इज़ वेरी वेरी एस्टैब्लिश, वो बहुत प्रोफेशनल है। वर्किंग विथ हर वॉज वेरी वेरी, आई वॉज वेरी हैप्पी, सो दैट, क्योंकि राखी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। राखी ने बोला ऐसा पोस्ट करो, आप लोग देख रहे थे ये पोस्ट करो वो पोस्ट करो, आई एम नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री तो मुझे पता नहीं था। शी वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी इन सेट एक्चुअली। राखी जी, काफ़ी आपने समझाया उनको पोस्ट करते, पर गाने में कितनी बार आपने समझाया कि इस तरह से एक्ट करना चाहिए, इस तरह से? देखो, आदिल ने हमेशा सब जगह सिर्फ कार बेची है, इसे कार उनका पूरा शोरूम है, मैसूर, दुबई, बैंगलोर, हर जगह। सो फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा अब आ रहे हैं, अब आदिल की तकदीर मेरी पूरी देश की जनता के हाथ में है। यहाँ पर तो 100-200-400 करोड़ की फिल्में नहीं चलती, हमारा तो छोटा सा एक वीडियो है, और आदिल की तकदीर जो जनता के हाथ में है, जनता या तो ताज पहनाएगी, या तो कुर्सी पे बिठाएगी, या तो यू नो, बट मुझे पूरा विश्वास है कि जनता आदिल को बहुत रिस्पेक्ट देगी, प्यार देगी। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आदिल को हाँ 10-12 दिन क्लास लेनी पड़ी, कैमरा फेस कैसे करना, रोना कैसे, हंसना कैसे, कैमरे के सामने कैसे आना, फर्स्ट टाइम वो सब बहुत जद्दोजहद हुई है। No, you did very well. I'm not saying. But yes, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, अगर अभी बोल दूँगी तो लॉन्च पे क्या बोलूँगी। तो एक छोटा सा नजराना था आज हमारे फोटोशूट का, कि तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। नहीं, ये हमारे वीडियो का, आप तो मेरे DNA में बसते हो, आप मेरे दिल में। क्या लगता है कौन किसको चीट किया होगा, राखी ने या मैंने इस वीडियो में? रियल लाइफ या रियल लाइफ? रियल वीडियो में, वीडियो में आपको क्या लगता है? हम नहीं बताएंगे, वो पब्लिक को देखना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है आदिल जी ने आपको चीट किया होगा। बिग बॉस 16 आ रहा है, तो उसमें क्या आप दोनों को देख सकते हैं साथ में? हां, बिग बॉस 15 में देखा था हमने, काफी धमाकेदार एंट्री। देखिए, जनता की डिमांड होगी, हमारी तकदीर में होगा, तो मैं और आदिल बिग बॉस 16 में जरूर जाएंगे, उसे कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह का साथ रहा, ईश्वर परमेश्वर का, खुदा का, जीसस का साथ रहा, तो मैं और आदिल बिग बॉस 16 में जरूर जाएंगे। एक बड़ी खबर आ रही है कि सलमान खान ही कर रहे हैं टाइम का बिग बॉस, पहले ऐसी खबर आ रही थी सलमान भी करेंगे नहीं कर, लेकिन आज वो फोटो शूट कर रहे थे फिल्म में। बिग बॉस 0 है अगर मेरा भाई सलमान खान नहीं है। मैं कहती हूँ बिग बॉस कौन है, इसे सलमान खान हो, सलमान खान है तो सारे कंटेस्टेंट डरते हैं, सलमान खान बॉलीवुड का किंग है,
तो अगर सलमान खान बिग बॉस में नहीं है तो बिग बॉस जीरो है। बिग बॉस के कंटेस्टेंट किसी के बाप से नहीं डरते सिवा सलमान खान से। सलमान खान आ जाते हैं तो हमारे तोते उड़ जाते, तोते परिंदे हर चीज़ उड़ जाती है, क्योंकि हम सलमान जी को इज्जत देते, प्यार करते, रिस्पेक्ट करते। अगर वो हमें अंदर कुछ कहते हैं तो हमारे बेहतरी के लिए कहते हैं। तो बिग बॉस जाना ही जाता है सलमान खान की वजह से। राखी जी, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा। आपने कुछ समय पहले ही, कुछ टाइम पहले अभी हमने कहा कि कुछ फिल्में नहीं चल रही, हमारा गाना कुछ ऐसा कुछ वाक्य आपने कहा था। आपकी सबसे फेवरेट जोड़ी आलिया और रणवीर की मूवी ब्रह्मास्त्र को भी बॉयकॉट की ट्रेंड्स चालू हो चुके, उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? देखिए, पब्लिक के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, किसको बॉयकॉट करेंगे किसको नहीं करेंगे। कल हम लोग कुछ बोल देंगे तो शायद हमको भी बॉयकॉट करें, पता नहीं है। पब्लिक, जनता तो यू नो इट्स अ गॉड, उनकी मर्जी, वो सर पे बिठाए प्यार करें। जनता के सामने हम कुछ नहीं बोल सकते, बट जनता को यही कहूँगी कि आलिया रणवीर जो है, रणवीर बहुत अच्छी जोड़ी है, प्लीज़ आप इनको बॉयकॉट ना करें। आलिया मेरी फेवरेट है और अभी तो मम्मा भी बनने वाली है। और हम आर्टिस्ट हैं, आपको लगता है बहुत मेहनत करते हैं। आप देखिए, मेरे को अभी इतना बड़ा ऑपरेशन करके मुझे 6 दिन हुए, मैं आके यहाँ पे फोटोशूट कर रही हूँ। एनेस्थेसिया बोलते हैं ना, वो भी अभी तक गया नहीं होगा बॉडी से। मैं थोड़ी फुली फुली भी लग रही, बिकॉज सर्जरी के बाद एंटीबायोटिक और इतनी दवाएं जाती है, यू नो। देखिए, मुझे पता नहीं कौन डिज़ाइनर है क्या है, लेकिन मैंने आज आदिल का बहुत दिल दुखाया है कि उस टाइप का कपड़ा मुझे नहीं पहनना चाहिए। और अभी जो 2 या 3 जोड़ी कपड़े आए हैं, और आई एम इन टू फिल्म इंडस्ट्री आदिल, आई एम सॉरी, वर्क थोड़ा सा दिल बड़ा रखे। मेरा दिल में बिल्कुल भी नहीं कि मैं ऐसे कपड़े पहनूं, बट अब आया है, प्रोडक्शन वालों ने इतने खर्चा किया है। मैंने ट्रायल नहीं लिया था क्योंकि मेरे को अलाउड नहीं था, स्टिचेस टूट सकते हैं मेरे, तो इमिडिएटली आया। तो मैंने अभी यहाँ पे पीन वीन कैसे लगा के पहने हैं आप लोग खुद ही जानते। मैं आदिल का दिल कभी नहीं दुखा सकती, मैं आदिल का दिल फालतू कपड़े पहन के कभी नहीं दुखा सकती। आदिल जी, राखी जी आपके लिए हमेशा बहुत कुछ करती है, जैसे कि गाने के लिए आपको 15 दिन का ट्रेनिंग दिया, लेकिन आप हमेशा नाराज हो जाते, आज भी आप नाराज हो गए, ऐसा क्यों? क्या चीज़ है, मतलब थोड़ी सा नाराज है तो राखी भी तब हाइप हो। देखो, मेरे से सिर्फ राखी को एक ही चीज़ की पाबंदी है, कपड़ों से अच्छी लग रही है, और मैं दूसरे कोई भी चीज़ से, राखी बाजू में मेरे बगल में खड़ी है, उसको आप पूछ सकते हो कि कोई दूसरे चीज़ों से मेरे पाबंदी है, मैं रोकता हूँ टोकता हूँ, फिर पूछ लीजिए एक सवाल बताओ, मैं कोई दूसरी चीज़ से रोक टोक करता हूँ? गुस्सा करते ना आप इससे थोड़ा? करता हूँ? नहीं बाबा, नहीं करते हैं वो, नहीं प्यार है, नहीं नहीं ये प्यार है उनका। और नहीं, और अब देखिए, ऐसे भी इन फ्यूचर तो हम दोनों एक ही होने वाले हैं, और इस्लाम में बिल्कुल भी अलाउड नहीं ऐसे कपड़े पहनना। आदिल इज ऑलवेज राइट, एंड मैं उनकी इज्जत करती हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन आज जो है डिज़ाइनर ने ऐसे कपड़े ला के दे दिए पुरानी राखी सावंत जैसे, तो नई राखी सावंत को इन्होंने सुधार दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट टाइम आप बिग बॉस में स्पाइडरमैन के रूप में गए थे, इस बार आप दोनों की जो इसमें जाएगी? आई एम अ सुपर वुमन एंड इज माय बैटमैन। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद।